हेलो नमस्कार जी, आज मैं आपको एक ऐसे काढ़े के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे कि मैंने पिछले कोरोना काल से लेकर आज तक प्रयोग कर रही हूँ। और मैंने देखा कि कई जगह पर कोरोना बहुत फैला हुआ था, लेकिन मेरे घर में मेरी फैमिली में किसी को छू भी नहीं सका, तो मैं इसको आप सभी को शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए मैंने क्या क्या लिया हुआ है इसमें डालने के लिए। हाँ, तो मैंने सबसे पहले ये देखिए मीठी सौंफ ली है इसमें डालने के लिए। ये काली मिर्चें ली है मैंने, पीस के रख ली है थोड़ी सी। और ये मैंने अजवाइन ली है, और ये मैंने दालचीनी भी ले रखी है। ये खांसी वगैरह के लिए, हर एक चीज़ के लिए बड़ी अच्छी होती है। और ये मैंने लेमन ग्रास भी लिया है, और साथ में मैंने पुदीना भी लिया है, और ये मैंने तुलसी भी ली है। इन सभी को मैं डालती हूँ, और इसमें एक अदरक भी लेती हूँ, वो भी डाल लेती हूँ, जो मुझे मिल जाता है सब कुछ मैं इधर। और देखिए ये मैंने अदरक भी लिया है, तो इन सभी चीज़ों को मैं अब इनका काढ़ा बनाऊँगी। और इस काढ़े को मैं अपने सारे परिवार को पिलाती हूँ। ये देखिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें सभी डाल दूँगी इसके बीच में। और इस काढ़े को सभी पिया करें, इसके पीने से ये कोई भी रोग नज़दीक नहीं आते हैं। जैसे कोरोना एक बहुत ही महामारी फैल चुकी है हमारे देश में, तो इससे हमें अपने देश को बचाना होगा, अपने परिवार को बचाना होगा, तो इसके लिए इस काढ़े का प्रयोग भी जरूर करें। लेकिन ये काढ़ा ही सब कुछ नहीं कर सकता, आपको अपनी सेफ्टी खुद भी रखनी पड़ेगी। हर जगह जाना होगा तो वहाँ पर मास्क लगा के ही जाना, और हाथों को बार बार धोना। जहाँ कहीं भी लगाएं हाथ, तो आकर के हाथों को अच्छे ढंग से किसी अच्छे साबुन से धोएं, और साथ में मास्क वगैरह जरूर लगाएं, और हाथों में सैनिटाइजर वगैरह का प्रयोग भी जरूर करते रहें, जिससे कि हमारे देश, सारे देश की सेवा हो सके, सारे देश हमारा बच सके इन बीमारियों से। ये बहुत ही घातक बीमारी है, जैसे कि चाइना में अभी बहुत फैला हुआ है, तो हम चाहते हैं हमारा देश बहुत सुरक्षित रहे। तो इस काढ़े को पीने से जैसे मैं चाहती हूँ मेरे परिवार वाले सभी ठीक ठाक रहे, वैसे मेरा देश भी सारा ठीक ठाक रहे। अब मैं ये लेमन ग्रास भी डाल रही हूँ, इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें चाय में। ये काढ़ा इतना अच्छा बन जाता है। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ढक्कन दे के पकाएं, और अब मैं इसमें चीनी डालने जा रही हूँ, क्योंकि काढ़ा अब अच्छा कट गया है इसका। तो मैं दो चम्मच, अब इसमें दो गिलास बना रही हूँ, तो दो चम्मच मैंने चीनी के डाल दिए इसमें। अब थोड़ी देर इनको भी उबलने दूंगी, और उसके बाद मैं दूध डालूंगी। अभी मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि इस काढ़े का प्रयोग जरूर करें, और मेरी बातों के ऊपर अमल करें, सार्वजनिक स्थलों पर जाने से बचें, और इनका सैनिटाइजर वगैरह का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से करें, और कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखें, जिससे कि हमारे देश की और हमारे अपने परिवार की रक्षा हो सके। हाँ, तो ये मेरा काढ़ा भी कट के तैयार हो गया है। आप भी ऐसे ही बनाएं इसको, धीमी आंच के ऊपर आस्ते आस्ते करने दें थोड़ी देर के लिए। फिर ये जब बन के तैयार हो जाएगा, तो इसको फिर सभी को पिलाएं। लेकिन ऐसा करें कि इस काढ़े को, गर्मी भी हो जाती है इन काढ़ों को पीने से कम एक बार तो ज़रूर पिएं, ज़्यादा ना पिएं, 1 से 2 बार भी पी सकते हैं। और मेरी सभी से यही निवेदन है कि इस काढ़े को पिएं, और अपने बच्चों को, परिवार को, अपने देश को सुरक्षित रखें। अभी मेरी चाय बन के तैयार हो गई है, मैं इसको कप में डाल रही हूँ, और देखने में तो देखिए ये चाय की तरह लग रहा है, लेकिन ये काढ़ा ऐसा है कि इसको पीने से सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। जैसे आजकल खांसी जुकाम वगैरह भी होता है, तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा होता है।